उसके बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो इस बात का हम डायरेक्टली मतलब निकाल सकते हैं कि अगर बाई चांस हमारी वैक्सीन नहीं बनती है 2020 में या फिर 2021 से पहले, तो क्या हमारा एग्जाम पॉसिबली कंडक्ट हो पाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा मतलब की डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है और एग्जाम अगर पोस्टपोन होगा तो कैसे होगा, कैंसिल होगा बाई चांस तो कैसे होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। तो देखिए हमारा क्या है, जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने बोला है कि हमारा जो COVID-19 की वैक्सीन है वो 2021 से पहले बनना मुश्किल है। तो पहली बात तो यह है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया WHO ने कि हमारे मतलब की वैक्सीन बन नहीं सकती या फिर बननी मुश्किल है। तो आप इस बात को इस वे में ना लें कि बिल्कुल मतलब कि ये हो गया कि बिल्कुल वैक्सीन हमारी बन ही नहीं सकती। वैक्सीन बन सकती है, लेकिन जो मतलब कि अभी तक हमारा मतलब की सिचुएशन देखी गई है कि जब से इतने लंबे टाइम से नहीं बनी है, तो उस चीज को उन्होंने देखा और मतलब कि अभी जितनी भी रिसर्च हुई है COVID-19 पे तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी वैक्सीन, हो सकता है वैक्सीन इसी मंथ बन जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा वैक्सीन बिल्कुल बन नहीं सकती। बन सकती है और बन भी नहीं सकती, तो दो पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट बिल्कुल ही हमारा क्या है ट्रू कि डेफिनेटली अब तो ऐसा हो ही गया कि हमारी वैक्सीन नहीं बनी। तो अगर बाय चांस हमारी वैक्सीन नहीं बनी तो क्या हमारा केस होगा, अगर बाय चांस 2020 में वैक्सीन नहीं बनी तो एग्जाम कंडक्ट करवाना हो जाएगा बहुत मुश्किल। आप मेरे से लिख के ले लीजिए, गारंटीड बात है एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा हमारा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखिए हमारा जो अभी रिसेंट में हमारी इंडिया की मतलब की सिचुएशन है वो 50,000 के आसपास, 50,000 से भी ज्यादा केसेस अब पर डे आने शुरू हो चुके हैं। और अगर मतलब कि जिसमें से हमारा अगर टेस्ट ही अगर ज्यादा करवाएंगे तो डेफिनेटली आज भी 1,00,000 के आसपास केसेस आराम से आ जाएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में केसेस मतलब कि टेस्ट क्या होते हैं कम होते हैं, तो इस वजह से केसेस भी इतने ज्यादा नहीं आते। लेकिन जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि इन फ्यूचर 1,00,000 के आसपास केसेस अगर आने लगे तो कोई भी पेरेंट नहीं भेजेगा अपने स्टूडेंट को एग्जाम देने, और एग्जाम देने स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि 2,00,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और उसमें से 2,00,000 के 2,00,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट इस बात को समझती है, अगर सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो डेफिनेटली हमारा एग्जाम पोस्टपोन होना तय है, आप इस बात को मान लीजिए। चाहे आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत टाइम हो गया, लेकिन जब एग्जाम हो ही नहीं सकता तो ऐसे झूठा दिलासा दिलाने में क्या फायदा। क्यों मैं आपसे बोल दूं कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, आप पढ़ते रहें। देखो सच्चाई जो है वो यही है कि एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो सकता है अगर सिचुएशन ऐसे ही चलती रही, और मतलब कि आप बातों के और मतलब निकालते रहे वो आपकी इच्छा। दूसरी बात, अगर बाई चांस हमारी वैक्सीन बन गई तो देखिए हमारी जब वैक्सीन बनती है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि आज वैक्सीन बनी तो सब कुछ पूरी मतलब कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब कि उसके ट्रायल्स होते हैं कई सारे और थोड़े दिन देखा जाता है कि मतलब कि कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है इंसानों पे। क्या पता हो सकता है कि आज वो ठीक कर दे, 10 दिन बाद और मतलब कि क्या हो जाए कि और सिचुएशन खराब हो जाए। तो इस चीज को मतलब कि थोड़ा टाइम लेता है, हर कंट्री टाइम लेती है, हर मतलब कि सिचुएशन को देखने के बाद अप्लाई होती है। तो इस बात को आप समझिए, अगर वैक्सीन बनती भी है उस टाइम पे सितंबर के टाइम पे अगर हमारी वैक्सीन बनती है पॉसिबिलिटी, तो ऐसा नहीं है कि अगर मतलब कि 1 सितंबर को हमारी वैक्सीन बनी तो एग्जाम मतलब हमारा कंडक्ट हो जाए। तो अगर मतलब वैक्सीन बनती है तो उसका थोड़े दिन हमारा क्या होता है ट्रायल्स होते हैं और हर चीज को मतलब कि कंसिडर करके एग्जाम पॉसिबिली हो सकता है। तो अब सारी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं कि हमारे केसेस जितने आ रहे हैं और ये सारी क्या है कंडीशन है, तो हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, अगर बाई चांस वैक्सीन आई या नहीं आई, अगर इस चीज को भी हम कंसिडर ना करें तो देखिए हमारे पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस टाइम पे अगर देखा जाए, क्योंकि हमारा ग्राफ अभी तक भी पीक को छुआ नहीं है और एम्स डायरेक्टर बोल रहे हैं कि पीक आएगी मिड सितंबर में। तो आप इस बात को समझिए कि हमारा जो एग्जाम है वो कंडक्ट होना मुश्किल लग रहा है अगर मतलब की पीक हमारी सितंबर मिड सितंबर में आएगी, तो हमें मतलब कि किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए एग्जाम पोस्टपोन होना ना होना, कैंसिल होना, ये सब मतलब कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में एक ही चीज है वो है प्रिपरेशन। दूसरी बात, हम इस टाइम पे मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम मास्टर ब्लास्टर बन जाओगे कहीं बाहर जाके, हम बाहर नहीं जा सकते, हम घूम नहीं सकते हैं, हम मतलब कि खेल नहीं सकते हैं बाहर ज्यादा, वो आपकी मतलब की इच्छा है कि आप जाके खेलने लगे, तो हम बाहर नहीं जा सकते, हम घर में रह सकते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट हमने क्यों करना है यार, ये बताओ। मतलब कि अगर बाय चांस हमने मान लिया 50-50 चांसेस हैं पोस्टपोन होने और ना होने के, तो हम क्यों उस 50 को कंसीडर कर रहे हैं अपने दिमाग में,
जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है उस युक्ति को करने से फायदा है कि अगर मान लो 10-20 दिन बाद एग्जाम होने लगा, देखिए एग्जाम होने के चांसेस क्यों है अभी भी और हमेशा रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हमारे केसेस इतने आ रहे हैं। जब एग्जाम हमारा पहले पोस्टपोन हुआ था तो केसेस कम थे, ये बिल्कुल बात हमारी क्या है तय है, लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट को इतना आइडिया नहीं था कि मतलब किस हिसाब से केसेस बढ़ेंगे। उस टाइम पे सब पॉसिबिलिटीज थी कि हमारी वैक्सीन आ जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो भी ट्राई कर रही है किस तरह एग्जाम कंडक्ट, और रिसेंट में एग्जाम कंडक्ट भी हुए हैं, हालांकि जेई मेंस और नीट के अब हिस्सा बहुत छोटे एग्जाम थे, लेकिन हमारे एग्जाम कंडक्ट हुए। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो इस पॉसिबिलिटीज को लेके अपने दिमाग में हमें मतलब कि रखना है और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे कि मतलब कि पोस्टपोन हो जाएगा, ये सड़के छोड़ के पढ़ाई छोड़ दी, अगर वाई चांस एग्जाम कंडक्ट हुआ, सच में बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा सब कुछ सीन। जितनी भी आपकी मतलब कि 2 साल की मेहनत है, कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितनी मेहनत करी कितने साल, लास्ट में यही पूछेंगे कितना मतलब कि तुम्हारा क्या रिजल्ट है। तो इस वजह से अगर बाई चांस कुछ भी होता है इन फ्यूचर तो हमें तो वो कंसिडर करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना कंसिडर करना है कि हमारा एग्जाम आएगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, डेट जो भी है ना उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, और अपनी अच्छी रैंक सिक्योर करनी है। वो मतलब कि हमारे हाथ में नहीं है यार कि अगर पोस्टपोन होता है, हम पूरा ट्राई करेंगे। अगर मतलब सिचुएशन रोस्ट्री पिछली बार हमने मतलब कि लास्ट तक पूरा साथ दिया था कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, इस बार भी मतलब कि अगर सिचुएशन ऐसी चलती रही तो हम बिल्कुल फिर से वही चीजें करेंगे कि हमारा एग्जाम कंडक्ट ना हो, पोस्टपोन ही हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट की सेफ्टी सबसे पहले है और सब चीजें बाद में, स्टूडेंट की सेफ्टी सबसे पहले है। लेकिन स्टूडेंट की सेफ्टी के अलावा भी कुछ चीजें बहुत जरूरी है, वो है सबसे मेन हमारी पढ़ाई। हम अपने स्टूडेंट जितने भी हैं सबको यही एडवाइस देते हैं, लास्ट डे तक हमें बिल्कुल भी मतलब कि इस चीज को कंसिडर नहीं करना है कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। हमें तो सिर्फ एक ही बात को ध्यान रखना है कि हमारा ये डेट गिवन है और इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि अगर एग्जाम पोस्टपोन हो फर्दर तो हमें ही टाइम मिलेगा, और क्या मतलब मेरे पड़ोसी को टाइम मिलेगा, टाइम तो हमें मिलेगा एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप और सब बातों को दिमाग में अभी फिलहाल ना रख के मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई भी मतलब की अपडेट इसके रिगार्डिंग आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।